सारे को कुछ वापस बता दे। होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक, आपको मेरे न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। जो भी मेरे चैनल पे नया है तो मैं सबसे पहले उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी रेड बेल आइकन का बटन दबा दे। और आप सबको बताया कि बकरा ईद उरूज पर है और बकरा ईद का चांद भी नज़र आ गया, क्योंकि 28 जून को सऊदीया में ईद है और 29 जून को पाकिस्तान में ईद है। तो बहुत से जानवर खरीदने, बहुत से लोग जानवर खरीद रहे हैं और कुर्बानी के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जानवर खरीदने में मगन है इस टाइम। और जो बकरा ईद उरूज पर है, काफ़ी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कुर्बानी ले और ये जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको अदा करें। तो इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं मंडी और मंडी चलते हैं। जब मंडी जब आप पहुँचेंगे फिर इंशाल्लाह आपसे उधर मिलते हैं और आपको दूसरे लोगों से मुलाकात भी करवाएं, पर उनसे उसे पूछेंगे कि ये जो जानवर है ये पिछले साल क्या रेट था इसका और आप ये कितना महंगा हो गया और ये आप कितने को महंगाई होगी जिसकी वजह से आप ये इतना महंगा दे रहे हैं। चले इंशाल्लाह उधर पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जी हम आए हैं इधर खाना वाला स्टॉप पे, थोड़े से हमने कहा कि मंडी घूमे उधर भी देख ले मंडी में क्या साफ साफ चल रहा है। ये हम इधर खड़े हुए खाना वाला स्टॉप पे, ये देख रहे होंगे कि आप पीछे छतरे वगैरह काफी मौजूद है, पीछे कुछ बकरे की कुछ गाड़े भी लगाए हुए हैं। ये भाई माशाल्लाह भाई से पूछ लेते आगे भाई ये आपने माशाल्लाह छतरे लगाए हुए क्या हिसाब दे रहे हैं ये जोड़ी साहब ये और सुन लिया होगा कि कितनी महंगाई होगी पिछले साल से कितना का फर्क पड़ा है, पिछले साल कितने का था ये ले 15,000 का था और एक साल में 60,000 का हो गया। ये क्या करे कितनी महंगाई हो रही है, गरीब बेचारा क्या करे, जिन्होंने कुर्बानी कर दी है वो क्या करे। हम तो देखने आए थे कि क्या हिसाब दे रहे हैं मंडी में क्या गहमी चल रही है और ये हमने तो एक छतरे की तो कीमत पूछी है वो 60,000 है। भाई बकरे भी आपकी हाँ जी आ जाए, वो बकरे भी ये बकरे की कीमत यार इसका पैर था क्या खुराक क्या है। ये देखिए जो पिछले साल जो बकरा तकरीबन 30-35 का था ना, 30-35 का बकरा आज ये 65,000 रुपए का बिक रहा है। अब जो गरीब है वो बेचारा क्या करे। तो हम तो थोड़े बच्चे के हाल चाल ही देख रहे थे, हम इंशाल्लाह चांदा से पहले लेंगे, आपने ले ली है लेकिन आप देखते हैं 65,000 का रेट रूट लगा किसी के साथ आपका तो आप कितने तक उम्मीद है कि चला जाएगा। तो आपकी क्या डिमांड है, आपने कितने तक बेचने भाई की भी डिमांड है कि वो कह रहे हैं क्या ये महंगाई ज्यादा हो गई जिस वजह से ये देखिए आप भाई की भी डिमांड है कि महंगाई इतनी हो गई है। अब ये बकरा तकरीबन 50-55 का जाए तो फिर हमारे लिए कुछ बने क्योंकि उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से पाले हैं। अब इतने वगैरह लेके आए चले अब शाम में इधर गाड़े लगे हुए गाड़े वाले भी भाई से अब बात ऐसे ही भाई इसके बारे में कुछ वाले बता रहे कसी का तो जो आप बकरा दिखा रहे थे वो ये इस हिसाब से कि बकरा 65,000 रुपये का था आपका जो आप 65,000 तकरीबन भी 65,000 का ही था ना ये पिछले साल देखे हम 1,80,000 ये छोटे की इतनी कीमत है दूसरे की कितनी कीमत होगी 2,30,000 बहुत महंगाई हो गया। बस जो गरीब है अल्लाह ताला उनकी मदद करे इंशाल्लाह हम भी थोड़े दिनों तक ले लेंगे। बस हम ये मंडी के हाल चल जानने आए थे कि क्या हिसाब की क्या महंगाई हो रही है, किस हिसाब से जो जानवर है बिक रहे हैं और जो पिछले साल थी जो पिछले साल जानवर मिल रहे थे वो 2 गुना ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। वो बकरा आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल 35 का मिल रहा था इस साल 65,000 का हो गया और ये जो देख सकते हैं ये जो बैठा है ये पिछले साल 65,000 का तकरीबन होगा और आज 1,80,000 का हो गया। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने चलाए, आप चलते हैं चला मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
घर, और आप जैसा कि आपने उधर देखा कि कितनी महंगाई थी, और जो जो पिछले साल जो बकरा तकरीबन कोई 30-35 का होगा, वो इस साल है 65,000 रुपये का, जो हमने आपको भी दिखाया और आपने भी देखा कितनी महंगाई हो गई। बेचारा गरीब अब अपनी जो जो कुर्बानी करे वो कैसे करे। तो पहले तो तकरीबन कितनी ज़्यादा महंगाई होगी। अब मैंने बैठा जो पूछा इतना सा तकरीबन बैठा होगा, अब मैंने उनसे पूछा भाई कितने का है, तो उन्होंने कहा कि 1,80,000 का। मैंने कहा जो पिछले साल का रेट है, जो पिछला साल था उसमें क्या रेट था, तो उन्होंने कहा तकरीबन कोई 65-70 तक का ये होगा। तो मैं देख के हैरान हो गया कि मैं कहा इतने एक साल के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, खुदा का खौफ करो। तो जो गरीब है उनकी दुआएं ले, बदुआएं ना ले, क्योंकि गरीब गरीब ने भी कुर्बानी करनी होती है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक में शेयर करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब आपको लगना है ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।